नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत की पावर ग्रिड पर साइबर हमले करने वाले चाइना की कोशिशें नाकामयाब। राहुल गांधी ने चाइना और लद्दाख की स्थिति को लेकर दिया विवादित बयान और रूस और यूक्रेन की लड़ाई को बताया उदाहरण। आपको बता दें कि जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के चलते जिस तरीके से चाइना की तरफ से हर बार नई कोशिशें की जा रही हैं और इस बार भी पावर ग्रिड पर हमला करने की कोशिश की गई, चाइना की तरफ से हैक करने की कोशिश की गई और वो कोशिशें भी नाकाम हुई। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बताया कि चाइना की तरफ से ये कोशिशें जो हैं वो 8 महीने में दूसरी बार की गई है और वहां पर भी चाइना बेतरीके से नाकामयाब रहा है हैक करने में पावर ग्रिड को, क्योंकि हमने पहले से ही अपनी चीजों की रक्षा करने के लिए पावर ग्रिड को पहले से मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को पहले से ही मजबूती प्रदान कर रखी है, मजबूत बना रखा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया चाइना और भारत को लेकर विवादित बयान। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी आरजेडी में शामिल हुए शरद यादव से मिलने पहुंचे थे और वहां पर बाती बातों में जब मीडिया की तरफ से चाइना को लेकर सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि चाइना पर वो सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो कारण रहे हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ऊपर आज रूसिया क्यों हमला कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें रूसिया अपना मानता है और वो उन्हें यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता है और इसीलिए यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है रूस की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि नाटो अमेरिका का रिश्ता बिगाड़ना चाहता है रूस, इसीलिए ये सारे हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस विवादित बयान को लेकर, राहुल गांधी के इस विवादित बयान को लेकर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको लेकर भारत अभी भी मध्य में है और उसने भारत की तरफ से किसी का भी समर्थन नहीं किया गया है। भारत की तरफ से अगर स्टैंड लिया गया है तो बस यही कहा गया है कि दोनों देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर इन्हीं चीजों को हम इंटरनेशनल अफेयर्स में देखें कि किस तरीके से जो देश विदेश से रिश्ते हैं उनके आधार पर देखें तो राहुल गांधी ने एक तरीके से ये कह दिया है इस बयान में, राहुल गांधी का शब्द थे कि यूक्रेन के ऊपर हमलावर है रशिया और ये स्टैंड भारत ने अभी तक नहीं लिया है। भारत के विदेश मंत्री ने भी बयानों का जिक्र नहीं किया है, यानी कि किस तरीके से चाइना और लद्दाख की स्थिति को लेकर आज राहुल गांधी जो हैं वो विवादित बयान दे रहे हैं। और साथ में राहुल गांधी ने भी कहा कि जैसे रूसिया ने कहा कि वो यूक्रेन के कुछ पार्ट्स को अपना यूक्रेन का नहीं मानता और यही कारण है कि आज यूक्रेन के ऊपर हमलावर है रूसिया, तो उसी तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि चाइना भी ऐसा ही भारत के साथ कर सकता है, क्योंकि चाइना भी अरुणाचल और लद्दाख को अपना मानता है। और वहीं अगर विदेश नीति की बात की जाए तो किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो अपनी तरफ से बयानों को ऐड कर चाइना के खिलाफ कभी बयान नहीं देने वाले राहुल गांधी आज किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में किस तरीके से बयान दे रहे हैं, भारत का स्टैंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज का जिक्र अभी तक भारत की तरफ से नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बार भारत का स्टैंड रहा है, भारत ने रूसिया और यूक्रेन की लड़ाई में कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, हमेशा मध्यस्थता करने की बात भारत की तरफ से की गई है और उसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी कई बार बयान दे चुके हैं उनके सांसद, पर भारत ने अपना जो स्टैंड है वो नहीं बदला है इस जंग को लेकर जो कि रूसिया और यूक्रेन के बीच में इस वक्त में छुड़ी हुई है। आज 44वां दिन इस जंग के लिए है और राहुल गांधी किस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, लड़ाई को लेकर, कि रूसिया ने जैसा यूक्रेन के साथ किया है वैसा चाइना भी भारत के साथ कर सकता है। मैं सरकार के लिए चेतावनी देना चाहता हूं, मैं सरकार के लिए चेताना चाहता हूं कि अपनी तैयारियां जो है वो तैयारियां भारत सरकार को करनी चाहिए, वरना एक समय आएगा कि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। यानी कि जहां एक तरफ भारत सरकार की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से स्पष्ट शब्दों में चीजों को क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम अपनी आंखें झुकाने वाले नहीं है, और यही चीजें कही गई है जिस तरीके से चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश लद्दाख में कर रहा है, पर वहां पे वायुसेना के साथ साथ जवानों की, हमारे सारे जवानों की तैनाती है उसे बढ़ा दिया गया है। 2020 में जिस तरीके की मुठभेड़ देखी गई थी और उसमें भी ज्यादा जो नुकसान था वो चाइना का हुआ था, और अभी तक राहुल गांधी कभी भी चाइना के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं करते हैं, पर आज किस तरीके से इंटरनेशनल, जिस तरीके से जो लड़ाई, अगर हम इंटरनेशनल तौर पर बात करें कि यूक्रेन और रूसिया का जो युद्ध है उसे किस तरीके से राहुल गांधी आज कंपेयर कर रहे हैं भारत और चाइना से, और चाइना को ताकतवर
जबर दिखाने के लिए। राहुल गांधी ने कहा है कि वो हमारे राज्यों पर कब्जा कर लेगा, वो लद्दाख और अरुणाचल पर कब्जा कर लेगा और हमारे साथ रूसिया जैसी चीजें कर देगा जैसा कि रूसिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। यानी कि एक तरफ राहुल ने वो बात कही है जिस पर स्टैंड नहीं लेता है भारत, जो भारत के किसी भी अभी तक विदेश मंत्री से क्या राजदूत की तरफ से और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी नहीं कही गई है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है इसको लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरीके से देश विरोधी बयान आखिरकार क्यों दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी का जो प्यार है चाइना के लिए वो फिर से एक बार उमड़ पड़ा है? जिस तरीके से लद्दाख पर वायुसेना से लेकर हमारे जवान है वो 24 घंटे डटे हुए हैं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और वहीं किस तरीके से राहुल गांधी अपनी राजनीति करने के लिए यूक्रेन और रूसिया की लड़ाई पर इस तरीके से विवाद भरे बयान दे रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं चाइना और भारत से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने ये विवादित बयान दिया है तो इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जिस तरीके से मोदी और आरएसएस का आज कब्जा है मीडिया के ऊपर, आज सच्चाई किसी के सामने बेशक नहीं आ रही हो पर 2-3 साल बाद सच्चाई इस तरीके से सामने आएगी कि जैसे हाल श्रीलंका में है, अभी तक श्रीलंका में भी सच्चाई छुपी हुई थी और वैसे ही भारत में सच्चाई छुपी हुई है। जब सच्चाई बाहर निकल कर आएगी तो आप देख नहीं सकते कि मंजर क्या होगा। और इसी के साथ राहुल गांधी ने तमाम महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जहां एक तरफ पेट्रोल से लेकर तमाम उन चीजों को लेकर कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से इग्नोर की जा रही है उन चीजों को जिस पर भारत ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। भारत मध्यस्थता करने की बात करता है और राहुल गांधी ने रूसिया को ही अतिक्रमण करने वाला देश बता दिया है यूक्रेन के ऊपर। यानी कि ये साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है और आखिरकार राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं इन अपने बयानों के द्वारा, जो कि आज उनके द्वारा मीडिया से पूछे गए सवालों पर दिए गए हैं। आपको बता दें अगर चाइना की बात करें, आज जिस तरीके से चाइना के लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते सरकार को तैयारियां करनी चाहिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो कभी डोकलाम के समय पर चाइना के राजदूत के साथ जाकर चौमिन खाते हैं, मैगी खाते हैं और उसके बाद किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं तमाम चीजों को लेकर, पुलवामा अटैक को लेकर। तो आज जो जनता है वो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर भी तमाम आक्रोश दिखा रही है और ये कह रही है कि जिन चीजों को लेकर अभी तक भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, भारत भी 44 दिन से ज्यादा की ये लड़ाई हो चुकी है और भारत हमेशा ही मध्यस्थता करने की बात करता आया है, तो राहुल गांधी ने कैसे रशिया को अतिक्रमण देश बता दिया? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि हम कहीं और से पेट्रोल खरीदें और जब उसके पेट्रोल के दाम अगर हमारे देश में बढ़ जाएं फिर उसके लिए कांग्रेस के लिए एक और मुद्दा बन जाएगा? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आज महंगाई को लेकर तमाम बातें कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हालात खराब हो जाएंगे, तो उसको लेकर भी चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे महंगाई के ऊपर सवाल जवाब करने वाले राहुल गांधी खुद अपने राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है किस तरीके से पेट्रोल से लेकर डीजल तमाम चीजें हैं जो महंगी बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितने ही पेट्रोल के और डीजल के दामों को अपने राज्यों में बढ़ा रखा है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।